हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है मटेरियल कंट्रोल। तो मटेरियल कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉस्टिंग का, बीसीओसी 138 का, कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको करने के। तो ये हमारा ये टॉपिक है आज का। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना है, उसके बाद ये जो ज्वाइन का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको इग्नू बीकॉम में आना पड़ेगा। यहाँ पे फिर ज्वाइन का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको क्लिक करना है और आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन जाएंगे। जिस तरह से आप ट्यूशंस करते हैं उसी तरीके से हमारे पास से आप ट्यूशंस करेंगे, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। आपको बस इनको देख करके उतारने हैं और एग्जाम और अपने स्टडी सेंटर में जमा कर देना है। साथ ही साथ आपको अगर नोट्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी 40% डिस्काउंट्स पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जिसमें आपको हेल्प करी जाएगी रिगार्डिंग एनीथिंग, जिस भी चीज में आपको स्टडी को लेकर के दिक्कत हो रही है, गाइडेंस काउंसिलिंग की आपको आवश्यकता है, वो सारी की सारी चीजें जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक आपको दिखेगा, जहाँ पे आपको जा करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, राइट? तो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट दैट, कि बीकॉम न्यू यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है, आप जब भी स्टडी करें प्लेलिस्ट में आकर के स्टडी करें, चैनल पे विजिट करने के बाद ये जो इग्नू बीकॉम न्यू है इसको दबाएं। दबाने के बाद यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा, बीसीओसी 131 फर्स्ट ईयर का पूरा और सेकंड ईयर का पूरा और थर्ड ईयर भी जल्दी ही अपडेट होने वाला है। तो ये सारी की सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द मटेरियल कंट्रोल एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो मटेरियल कंट्रोल नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? मटेरियल कंट्रोल का नाम से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि आपको अपने मटेरियल्स को कंट्रोल करना है एज पर देयर नीड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है? सपोज आपके पास मटेरियल की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, आप प्रोडक्ट कम बना रहे हो, तो आप ज्यादा अपने पास स्टॉक में रख के क्या करोगे, राइट? तो उस केस में आपको अपने मटेरियल के ऊपर कंट्रोल रखना होगा कि जैसा ही आवश्यकता पड़े तभी आप तुरंत ऑर्डर कर दो, आपके पास सामान आ जाए। फिर 10 दिन पहले जब आपको आवश्यकता, फिर आपने ऑर्डर कर दिया, फिर आपके पास सामान आ गया। आप अगर इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो जो रिक्वायरमेंट, जो ब्रेकडाउन है, वो होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप अगर ठीक तरीके से ध्यान दोगे तो आपका जो काम है, जो बिजनेस का जो वर्क है, वो भी बहुत आसानी से चलता रहेगा, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मटेरियल कंट्रोल के ऊपर ध्यान दो। तो सबसे इसके डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। सो मटेरियल कंट्रोल मे बी डिफाइंड एज द रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिंग टू द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूसेज ऑफ मटेरियल इन सच अ वे एज टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन विदाउट एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन द मटेरियल स्टॉक। यही मैं बोलना चाह रहा था कि आपके पास अपने स्टॉक में बहुत ज्यादा सामान नहीं रखना है, क्योंकि पैसे उसमें इन्वेस्ट होते हैं ना, रिसोर्सेज जाता है, टाइम जाता है। सो आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है, एक फंक्शन का एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जहां पे आपका मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट है वो तुरंत हो जाए, आप उसको स्टोर तुरंत कर लो, उसका जो यूसेज है वो एज पर नीड जो है आपका होते रहे, और इवन फ्लो में जो आपका प्रोडक्शन है वो चलता रहे, किसी भी तरह का कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, इत्मीनान से वो सारी चीजें जो है चलती रहे, है ना? और आपके अपने स्टॉक में इतने मटेरियल होने चाहिए कि तुरंत आपको आवश्यकता ना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका काम बंद हो जाए, राइट? तो आपको इतना स्टॉक अपने पास रखना है ताकि आपका काम जो है ठीक तरीके से चलते रहे। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि मटेरियल कंट्रोल को आप डिफाइन कर सकते हो बाय रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक फंक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मटेरियल को लेकर उसको प्रोक्योर करने का, स्टोर करने का और यूसेज करने का, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से करना होता है। दस मटेरियल कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात की जा रही है, दो की जो कि मटेरियल कंट्रोल में किए जाते हैं। पहला होता है प्रोक्योरमेंट, सामान को खरीदना, उसको फिर स्टोर करना और फिर उसका इस्तेमाल करना, राइट? It has been rightly pointed out that just as handling of cash is of utmost importance in the case of non-manufacturing business, and efficient handling of material is vital importance in the case of manufacturing business. जिस तरीके से manufacturing business में, एक तरीके non-manufacturing business में, जहाँ पे आप product को बनाते नहीं हो, वहाँ पे cash management एक बहुत बड़ा issue होता है, cash management के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। उसी तरीके से जब आप production करते हो, जब आप product बना रहे हो, manufacture कर रहे हो, तो उस case में आपके लिए vital हो जाता है कि आप अपने materials के ऊपर ठीक तरीके से कंट्रोल रखो, ताकि जब भी रिक्वायरमेंट हो आप तक पहुंच जाए, जब रिक्वायरमेंट ना हो तो ज्यादा स्टॉक भी आप अपने पास ना रखो। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर मटेरियल कंट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो आई होप कि मटेरियल कंट्रोल क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की, कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे हमें हो सकते हैं, राइट? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला फायदा है
there should be a continuous availability of all types of materials in the factory so that the production may not be held up for want of any material, है ना। तो आपके पास जो कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, उसके कारण से जो आपका काम का जो आप काम कर रहे हो फैक्ट्री में, वो कभी भी रुकेगा नहीं, वो बंद नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि आपका काम चूंकि बंद ना हो, तो आप अपने पास इतना मटेरियल रखो स्टॉक में, सभी तरह का रॉ मटेरियल, जिससे आपका काम जो है ठीक तरीके से चलता रहे। सो देयर शुड बी अ कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन द फैक्ट्री सो दैट प्रोडक्शन मे नॉट बी हेल्ड अप, आपका जो काम प्रोडक्शन है वो रुक ना जाए, ठीक है। दूसरा है, ओवर स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल शुड बी अवॉइडेड। अब देखो, आपको अगर ये सोचना है कि काम नहीं रुके तो उसके लिए मैं ज्यादा सामान ले लूं, तो ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवर स्टॉकिंग करके फायदा नहीं है, आपको वेयर हाउसिंग की दिक्कत होगी, आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे ओवर स्टॉकिंग की बात की जा रही है कि आपको ओवर स्टॉकिंग जो है नहीं करना है। तो अगर आप अच्छा आपके पास अगर अच्छा मटेरियल कंट्रोल होगा, तो ओवर स्टॉकिंग की दिक्कत आपको नहीं होगी, इसको अवॉइड किया जा सकता है इस दिक्कत को। सो बाय डूइंग सो वेरियस लॉसेस कॉज्ड बाय ओवर स्टॉकिंग कैन बी अवॉइड। तो आप अगर ये करते हो, तो जो भी लॉसेस आपको ज्यादा ओवर स्टॉकिंग करने के कारण जो दिक्कत होती है, जो लॉसेस होते हैं, वो आपको नहीं झेलने पड़ेंगे, है ना। थर्ड पॉइंट इज, मटेरियल शुड बी परचेज ऑन द मोस्ट फेवरेबल टर्म्स। मटेरियल जो है वो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स में आपको खरीदना है, ऐसा नहीं कि कंडीशन बहुत खराब है फिर भी आप मटेरियल खरीदे जा रहे हो। तो जो मोस्ट फेवरेबल टर्म्स होगा, उसी में आपको अपना सामान को खरीदना है। दिस हेल्प्स इन अफेक्टिंग मैक्सिमम इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ बाइंग। ऑफ कोर्स द क्वालिटी शुड नॉट बी सैक्रिफाइज एट द कॉस्ट ऑफ लोअर प्राइस, है ना। तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है कि आप अगर आप सही फेवरेबल टर्म्स में अगर आप खरीदोगे, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को नीचे लेकर के जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी मिलेगी, सॉरी आपको इकोनॉमी मिलेगी इन द कॉस्ट, क्योंकि आप लॉन्ग रन में बल्क में सामान तैयार कर रहे हो, राइट। तो आप जब बल्क में किसी सामान को तैयार करते हो, तो यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ स्केल जो है वो काम करता है, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो धीरे धीरे रिड्यूस किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्केलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल है। साथ में ये भी बात बोली जा रही है कि ऐसा ना हो कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है, तो लोअर प्राइसेस के चक्कर में आपको अपने क्वालिटी के साथ कोई किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, इस बात की भी आपको ध्यान देनी है। तो अगर सारा का सारा सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहे, कॉन्टिन्यूस परचेजिंग होता रहे, फेवरेबल टर्म्स में होता रहे, तो आपको क्या लगता है कि आपका कंपनी कैसा काम करेगा? अच्छा ही काम करेगा। तो मेन इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव यही है कि मटेरियल जो है उसको फेवरेबल टर्म्स में लेना है, ताकि बिजनेस जो है ठीक तरीके से चलता रहे, क्वालिटी भी अच्छी रहे और प्राइस भी बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है ना। सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको भी कर लेते हैं। ओके, सो द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज, फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज द परचेज ऑफ मटेरियल शुड बी द राइट क्वांटिटी कंसिस्टेंट विद द स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन द रिस्पेक्ट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। तो जो भी आपका परचेज ऑफ मटेरियल होगा, वो एक तरीके से राइट क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि आपका जो जो रिक्वायरमेंट है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, लोगों को कैसा फिनिश प्रोडक्ट का चाहिए, उसी फिनिश प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप बना सको, वैसा ही आप बना सको, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे, वो दोबारा आपके पास आए भी। सो परचेज ऑफ मटेरियल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, राइट क्वालिटी में होना चाहिए, ताकि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एक तरीके से जो स्टैंडर्ड आपने सेट करा है ना, वो उनको मिल सके, है ना। सो मटेरियल शुड बी प्रॉपरली स्टोर्ड एज टू प्रिवेंट लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज। तो मटेरियल कंट्रोल का ये भी एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी आपने मटेरियल्स खरीदे हैं, उसको एक तरीके से अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर जाकर के किसी भी तरह का लॉस ना हो, ठीक है ना। सपोज आपने पानी में खुले में रख दिया, पानी बरसात हुई और वो भीग गया, तो वो तो खराब हो जाएगा आपका, है ना। तो उसका जो स्टोरेज का फैसिलिटी है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, और वो तभी ध्यान दे पाओगे जब आप मटेरियल कंट्रोल के ऊपर ध्यान दोगे, राइट। सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज, the management should be frequently provided with information regarding the cost of material and the availability of stock. अब ये जो आप material control कर रहे हो, यहाँ से आप चीजों को control कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कब किसकी आवश्यकता है, कब किसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो भी informations यहाँ से निकल करके आएंगी, इन सारे informations को आप management के साथ जल्दी से जल्दी share करेंगे, ताकि उनको अगर किसी भी तरह का decision, किसी भी तरह का step लेना है, तो वो जल्दी से ले सकते हैं, राइट। सो दीज वेर द सिक्स ऑब्जेक्टिव्स प्लस डेफिनेशन दैट आई हैव टोल्ड यू। आई होप कि आपको ये काफी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।